Hello everyone, this is Sonia Jain from Online Education. Now coming to question number 2 of exercise 2.3, and the question is, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनॉमियल है क्या ये सेकंड वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं, और ये कैसे करना है, इसको डिवाइड करके आपको बताना है। उसने कहा है ना क्वेश्चन में कि सेकंड पॉलिनॉमियल को डिवाइड करो फर्स्ट पॉलिनॉमियल से, तो चलिए करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप देखो इसमें टी स्क्वायर है और यहाँ टी की पावर 4 है, तो मुझे क्या चाहिए, 2t² चाहिए। 2t² से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी t² - 3 को, तो मेरा 2t की पावर 4 आ जाएगा। 2t की पावर 4 - 2, 3 = 6, 6t². सो 2t² - 6t² साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा 3t² + 4t² - 9t - 12। अब यहां पे टी की पावर 3 है, यहां पे टी की पावर 2 है, तो मुझे किससे करना पड़ेगा, एक तो टी से करना पड़ेगा, साथ में कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो मुझे 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो t² - 3 को मैं करके देख लेती हूँ, 3t की पावर 3 - 9, 3t की पावर 3 - 9t। ओके, सो साइन चेंज कैंसिल हो गया, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4t² - 12। अब यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या है कांस्टेंट टर्म 4, तो मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं, 4 को t² - 3 से, 4t² - 4, 3 = 12, 4t² - 12 साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है, सो ये जो है t² - 3 इसका फैक्टर होगा। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये वाला पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, अब देखो इसमें क्या है हमारे पास x² + 3x + 1 और यहाँ है हमारे पास 3x की पावर 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मुझे इसे किससे करना पड़ेगा 3x² से करना पड़ेगा, राइट। तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो जैसे 3x की पावर 4, ठीक है। अब 3 को मैं ना इससे करूँगी, 9x³ आएगा प्लस 9x की पावर 3 प्लस 3x² + 3x² लेकिन अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप इधर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। साइन चेंज कर देंगे हम, कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का 4x³, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -10x², ऊपर से ये उतार लेंगे 2x + 2। ओके, आप देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है -4x³ है और यहाँ पे x², तो मुझे किससे करना पड़ेगा, एक तो x से लेना पड़ेगा साथ में -4, तो -4x से करेंगे। ओके, -4 से किया 4x की पावर 3 इसको इससे किया 4 × 3 = 12, -12x² - 12x². अब माइनस को इससे किया 4 × 4 -4x - 4x अगेन साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का, माइनस है प्लस का, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, यानी कि ये हो गया 2x². ओके, प्लस 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 होता है, प्लस 6x हो गया प्लस 2। अब यहाँ x² है, यहाँ 2x² है, मैं क्या करूँगी इसे प्लस 2 से मल्टीप्लाई, सो 2x को करा x² से 2x², 2 × 3 = 6x + 6x + 2 = 2,
साइन चेंज, साइन चेंज कर दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आया? जीरो. सो सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर ऑफ दिस. सो ये जो है हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, आप देखो इसमें हमारे पास x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मुझे किससे करना पड़ेगा? x की पावर 2 से. सो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 5. फिर इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x की पावर 3, यानी कि माइनस 3x की पावर 3. एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 1x स्क्वायर ही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ही आएगा. आप क्या करेंगे? साइन चेंज. ये हमने साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर का यानी कि माइनस एक्स की पावर 3. अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, ऊपर से हमने ये उतार लिए. ठीक है, अब देखो यहां माइनस एक्स की पावर 3 है, यहां एक्स की पावर 3 है, यानी कि मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 1 से. ओके, सो मैं अब इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करती हूं. सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया कि दिस विल बिकम माइनस एक्स क्यूब, यानी कि अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब को तो क्या आएगा? माइनस 1 एक्स की पावर 3, यानी कि अगर 1 मैं ना भी लगाऊं तो भी चलेगा, माइनस माइनस एक्स की पावर 3, राइट. माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस, प्लस 3x, 3 वन जा 3, 3x प्लस 3x एंड 1 वन जा 1, सो 1 वन जा 1, तो ये मेरा हो गया माइनस 1. नाउ अगेन साइन चेंज. ओके, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस 2. अब क्योंकि यहां रिमाइंडर बचा है 2, सो दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस. दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द अदर क्वेश्चन, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन बाय बाय.